नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक बहुत ही शानदार कोठी, जो कि अगर मैं लोकेशन की बात करता हूँ तो ये आपको डोईवाला में पड़ने वाली है। और मैं अगर इसके टोटल एरिया की बात करता हूँ तो ये आपको 510 गज में कोठी मिलने वाली है, जो कि चारों साइड से ओपन है। बाकी चलिए अंदर चल के हम दिखाते हैं आपको। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये आपको इसमें जो बेडरूम मिलने वाले हैं, 11 बेडरूम की कोठी है। चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे आप गेट से एंटर करते हैं तो आपको ये आपको पूरा पार्किंग एरिया मिल जाएगा। देख सकते हैं ये आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग एरिया मिल रहा है पूरा। और इधर आपको गार्डन एरिया मिल जाएगा, यहाँ तो छोटा गार्डन एरिया पर दिया हुआ है, पीछे देख सकते हैं आपको पीछे की साइड में मिलने वाला है। आपको पूरी कोठी में लकड़ी का वर्क मिलने वाला है। ये काफी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी आपको मिलने वाली है। और ये आपका एंट्रेंस आने वाला है अंदर जाने के लिए, जिसमें इसके गेट में आपको ग्लास कवर को मिला है। और आपका ये डबल डोर आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको पहले बता रखा है, अब पूरे घर में आपको अच्छी क्वालिटी के जो वुडन है उसका यूज मिलने वाला है। और ये आपका ड्राइंग एरिया आ जाएगा। ड्राइंग
ड्राइंग एरिया में आप जो देख सकते हैं लाइटिंग सोर्स का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी कोठी आपको चारों तरफ से ओपन मिलने वाली है, तो इसमें देख सकते हैं लाइटिंग सोर्स की, डे लाइटिंग की कोई भी कमी आपको नज़र नहीं आने वाली है। ड्राइंग एरिया में आपको कम से कम 3 से 4 विंडो आपको मिलने वाली है, और आप यहाँ पर कितने भी बड़े सोफे अपना सोफे सेट डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको 11 सीटर आपको मिल रहा है। इधर की साइड जो कि आपको बेडरूम की साइड जो वाला जो गेट है आपको मिलने वाला है, इस पर देख सकते हैं आपको लकड़ी का काम आपको मिलने वाला है और पीवीसी पैनल का जो काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ड्राइंग एरिया में आपको यहाँ ये पूजा घर मिलने वाला है, देख सकते हैं, जो कि काफी बड़े साइज में आपको यहाँ पर मिलेगा। अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जैसे ड्राइंग एरिया से बाहर आते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेस मिलने वाला है। ये ऊपर जाने के लिए जो आपको रास्ता दिया हुआ है, सीढ़ियाँ दी हुई हैं, उसके नीचे का जो स्पेस है उसको काफ़ी शानदार तरीके से मेंटेन करा हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरह से इस्तेमाल किया है। ये चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये इसका फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा। अगर मैं इसके बेडरूम साइज की बात करूँ तो आपको ये 10x11 का मिलने वाला है, और इसमें दो एंट्री आपको मिलने वाली है। एक जैसे कि जिस एंट्री से मैं आया हूँ ये आपको अंदर की तरफ से मिलने वाली है, और एक आपको बाहर की तरफ से मिलने वाली है। आपको ऊपर आपको छत के अगर बात करते हैं, इसमें आपको पीओपी का डिजाइन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको दिखने वाला है। बेडरूम के जस्ट साइड में आपको किचन मिलने वाली है, देख सकते हैं आपको मॉडुलर किचन इसमें आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। आपको नीचे जो स्पेस दिया है उसमें आपको सिंगल बेडरूम मिलने वाला है, और आप बाकी जो बेडरूम है वो ऊपर की साइड आपको मिलने वाला है फर्स्ट फ्लोर में। जैसे ऊपर आएंगे देख सकते हैं इस पर आपको ग्रेनाइट जो मार्बल है वो आपको सीढ़ियों पर लगी हुई मिलेगी। मार्बल देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पत्थर यहाँ पर लगाया हुआ है, और आपको सीढ़ियों पर स्टील की रेलिंग मिलने वाली है। ये आपका सेकेंड बेडरूम आ जाएगा जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है, देख सकते हैं। इसके अगर मैं साइज़ की बात करूं तो 10x11 इसके बेडरूम का साइज होने वाला है, और काफ़ी अच्छे पैटर्न के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंटेन करके रखा हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, मैं दिखा देता हूँ। ये इसमें आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। और इस बेडरूम में से ही आपको बाहर की तरफ जाने के लिए गेट मिलने वाला है, देख सकते हैं। वैसे बाहर आ सकते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, इन्होंने गार्डन एरिया दिया हुआ है, आप चाहो कैसे भी इसे यूज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा व्यू आ जाता है चारों तरफ से, यहाँ पर बैठकर कॉफ़ी चाय का बारिश में एंजॉय कर सकते हैं। ये आपका थर्ड बेडरूम आ जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंटेन मिलने वाली हैं। अगर मैं इस बेडरूम की साइज़ की बात करता हूँ, साइज इसका आपको 10x11 मिलने वाला है। आप इस बेडरूम को एज ए किड्स रूम भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, या स्टडी रूम आप इसे यूज कर सकते हैं।
और इसमें आपको जो फ्लोर वॉर्म टाइल मिलने वाली है काफी शानदार टाइल यहाँ पे आपको लगी हुई मिलने वाली है, जो कि आपको एक मार्बल फील देने वाली है, जैसे मार्बल पत्थर होता है वो फील आपको इस टाइल में मिलने वाली है। और ये आपको इसमें साइड में अलमीरा मिलने वाली है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का अलमीरा है, क्योंकि जो इसमें मटेरियल यूज करा है काफी अच्छी क्वालिटी का है। और इसमें जो माइका है देख सकते हैं आपको ब्लू एंड व्हाइट पैटर्न के साथ मिलने वाली है। आप चाहो तो इसे एज ए किड्स रूम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि काफी देख सकते हैं काफी अच्छे तरह से मेंटेन करा हुआ है। और इसमें भी आपको साइड में एक विंडो दिख जाएगी। पूरी कोठी में आपको लाइटिंग डे लाइटिंग सोर्स का काफी अच्छे तरह से यूज देखने को मिलेगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट रूम में। ये आपका एक पार्टीशन की कोठी का मैंने आपको दिखा दिया है, जिसमें आपको 3 बेडरूम मिलने वाले हैं और 2 बाथरूम 1 किचन इसमें मिलने वाला है। ये पर्सनल यूज के लिए बनाया हुआ है। अब मैं जो रूम आपको दिखाने वाला हूँ वो एज ए रेंट पर्पज से बनाए हुए हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। यहीं से आपको एक एंट्री मिल जाएगी। पहली बात तो यहाँ से आपको एक गेट दिया हुआ है, चाहो तो आप इसे लॉक भी रख सकते हो। यूज करना चाहते हो तो इसके लिए एंट्री इधर की साइड से आपको मिलने वाली है। देख सकते हैं आपको लोहे का जीना यहाँ पर मिल जाएगा और देख सकते हैं साइज भी काफी बड़ा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो जीने का जो स्पेस है 3 से 4 फीट का आपको जीना मिलने वाला है लोहे का, जो कि आपका नीचे की साइड से आता है। ये पोर्शन आपका एज ए रेंट पर्पज से बनाया हुआ है, तो इसमें आपको 2 बेडरूम मिलने वाले हैं, जिसमें कि 1 बेडरूम सेट ये आपका आ जाएगा, जिसमें आपको 2 साइड विंडो मिलने वाली है। और इसमें आपको एक वॉशरूम मिल जाएगा, अटैच वॉशरूम इसमें मिलने वाला है। और सेकेंड रूम इसमें आपको ये वाला मिल जाएगा। तो ये 2 बेडरूम सेट है रेंट पर्पज से बनाया हुआ है। इसमें आपको एक रूम में आपको अटैच किचन मिलने वाली है और एक रूम में आपको वॉशरूम मिल जाएगा। अगर मैं इस रूम के साइज की बात करूँ तो आपको 11x12 का बेडरूम साइज मिलने वाला है, जिसमें आपको अटैच किचन मिल जाएगी। एक रूम जैसे आपको ये किचन मिलने वाली है, पूरा रेंट पर्पज से बनाया हुआ है। और आपका एक रूम आपको मिलने वाला है ऊपर, दिखा देते हैं, चलते हैं देखते हैं क्या है। ये आप ऐसे ऐसे बार रूम यूज कर सकते हैं। ये आपका जब पार्टी पर्पज से बनाया हुआ है, यहाँ अपने जैसे बार होते हैं तो पर्स में बार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको इसमें देख सकते हैं लकड़ी की पूरी वो मिलने वाली है, टैप की जगह इसमें लकड़ी लगा दी गई है। और ये आपकी अलमीरा आ जाएगी और देख सकते हैं आपको दारू की बोतलें मिल जाएंगी। ये आपको अलमीरा मिल जाएगी, तो अपना आप स्टॉक इसमें आप आराम से सकते हैं या आप अपने किसी भी पर्सनल यूज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये आपका बाथ पर्पज के लिए बनाया हुआ है, देख सकते हैं काफी अच्छी चीजों का यहाँ पर इस्तेमाल है। छत और इधर से आप छत पर निकल सकते हैं। ये
ये आपके इसके फर्स्ट पोर्शन का आपकी छत आ जाएगी। देख सकते काफ़ी अच्छा व्यू आपको यहाँ से मिलने वाला है। और दोस्तों धूप बहुत तेज हो रही है आज, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इतनी धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक सब्सक्राइब करना तो बनता ही है दोस्तों। देख सकते हैं आसपास से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलने वाला है, और मंसूरी व्यू तो आपको काफ़ी हिल व्यू आपको काफ़ी शानदार यहाँ से देखने को मिलेगा। आपका इस पार्टीशन का जो आने जाने का जो रास्ता है वो इधर की साइड से आता है, जो कि आपको पार्किंग तरफ मिल जाए। अब इसके हम सेकंड पार्टीशन की तरफ कुछ लेकर चलते हैं। इसमें आपको कई हिस्सों में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखा हुआ है, एक हमने आपको दिखाया अभी प्राइवेट पर्पज़ के हिस्से। अब इसमें पीछे की साइड आपको टू बेडरूम सेट मिलने वाला है। चल जाओ, टू बेडरूम सेट सेट जो उधर की साइड आपको मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। एक एरिया आपका ये आ जाएगा जो कि आपका टू बेडरूम सेट है। आप इसे चाहे भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। आइए चलते हैं अंदर। ये भी अगर मैं रूम की बात करता हूँ साइज की, तो ये आपको 11x12 का बेडरूम साइज मिलने वाला है। इसके अंदर ही आपको एक बेडरूम सेट और मिल जाएगा। एक रूम सेट आपका ये है, तो ये आपके टू बेडरूम सेट आपका अलग से इन्होंने दिया हुआ है कोठी के जस्ट बैक साइड। और अगर इसकी मैं रूम की साइज की बात करता हूँ, तो 14x12 का एक बेडरूम साइज है, और इसमें टू सेट आपको विंडो मिलने वाली है। और ऊपर आप देख सकते हैं इसमें अलमीरा दी हुई है, जो कि आप एज ए स्टोर रूम अपने सामान जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये आपका किचन आ जाएगा, और जस्ट किसी के सामने आपको इसका वॉशरूम मिलने वाला है, जो कि देख सकते हैं वॉशरूम का साइज काफी बड़ा है, और इसमें 7 से 8 फीट आपको टाइल लगे मिलने वाले ऊपर तक। ये आपका फोर्थ कह सकते हैं चौथा एरिया आ गया। इसमें आपको इसमें क्या है, इसमें आपको टू बेडरूम सेट मिलने वाले हैं, जो कि टोटल एरिया है 4 बेडरूम सेट का है। तो ये सेट आपको ये मिलने वाला है जो कि 2 बेडरूम सेट है। देख सकते हैं आप इसे कैसे भी यूज कर सकते हैं, और हर जगह आपको बहुत ही शानदार काम मिलने वाला है। देख सकते हैं फ्लोर पर भी आपको टैग मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। ये आपका 2 बेडरूम सेट है, देख सकते हैं इसमें आपको किचन मिल जाएगी, और सेकेंड बेडरूम आपका ये आ जाएगा इसमें, जो कि 12x14 का बेडरूम साइज है। ये 12x12 का है, ये आपके 12x12 का बेडरूम साइज मिलने वाला है। ये आपका सेकेंड बेडरूम है इसका, जो कि आपका 11x12 का बेडरूम साइज है। देख सकते हैं आपसे चाहे तो अपने पर्सनल आपकी अगर बड़ी फैमिली है तो पर्सनल यूज के लिए भी दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे रेंट पर भी दे सकते हैं। जस्ट रूम के साइड में आपको एक वॉशरूम मिल जाएगा। ये आपका वॉशरूम आने वाला है, देख सकते हैं हर वॉशरूम में आपको 7 से 7-8 फीट तक टाइल लगाई मिलने वाली है, क्योंकि काफी अच्छी क्वालिटी की टाइल है इन्होंने यूज की। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आपको 4 बेडरूम सेट मिलने वाला है, तो 2 बेडरूम सेट आपको मैंने ये दिखाया है, इसी के साइड में आपको 2 बेडरूम सेट अलग मिलने वाला है। चारों तरफ से ओपन है, ये देख सकते हैं पूरा खुला एरिया आपको मिलने वाला है।
एक बेडरूम सेट आपका ये आने वाला है, एक टू बेडरूम सेट है, एक बेडरूम आपका ये मिल जाएगा जो कि 10x11 का है, और इसी के जस्ट साइड में आपको अगर मैं इसके बेडरूम की साइज की बात करूँ तो आपको 11x14 मिलने वाला है, देख सकते हैं 11x14 बेडरूम का साइज है। और मैं जैसे डे लाइटिंग का बहुत ही अच्छी तरह से इसमें दिया हुआ है, तो हर जगह आप देख सकते हैं डे लाइटिंग काफ़ी अच्छी है और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा है स्कूटी का। जैसे आप साइड में आते हैं इस रूम के, तो इसमें आपको एक ओपन किचन मिल जाएगी। इसी के जस्ट साइड में आपको एक वॉशरूम मिलने वाला है, हर वॉशरूम में आपको 7 फुट तक टाइल मिलने वाली है अंदर लगी हुई। एक मैंने बताया आपको चारों तरफ से कोठी जो है ओपन है, आपको चारों तरफ से खुला स्पेस मिलने वाला है। तो चलिए इसके बैक साइड से निकल जाते हैं और आपको आगे आपको निकलने दे सकते हैं, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ 3 से 4 फीट की गैलरी दी हुई है। तो ये थी दोस्तों कोठी, जो कि अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो आपको डोईवाला में मिलने वाली है, 510 गज में बनी हुई है, जिसमें आपको 11 बेडरूम सेट मिलने वाले हैं और एक आपको बार रूम अलग से दिया हुआ है। तो अगर मैं टोटल बेडरूम की बात रूम की साइज बात करता हूँ तो आपको 12 बेडरूम की कोठी मिलने वाली है। और अगर मैं अब बात करता हूँ इसके फाइनली प्राइस की, अगर मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ तो इसकी जो प्राइस है 2,10,00,000 रुपये की डिमांड है। बाकी अगर इस कोठी के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे शो हो ही रहा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।